ज्यादा हो एंड मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हम फिर ऐड करते हैं और ये हम स्मॉल फील्ड ट्रायल करते हैं, इसका लार्ज ट्रायल नहीं हो सकता। इसके ज़रिए तो हम दो चीज़ें टेस्ट कर लेते हैं, टेस्टिंग कर लेते हैं कि स्पेसिफिक जो न्यूट्रिएंट है, जो मिनरल है, वो प्लांट के लिए नेसेसरी यस आर नो, ये पता लग जाता है भी के नहीं। और ये जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं खलाबाज, ये जो प्लांट्स की वहाँ अपनी फूड की जो रेयरिंग करते हैं, उनको प्रोड्यूस करते हैं, ये हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक के ज़रिए ही करते हैं। ये भी बड़ा ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा। उसके बाद पास्चराइजेशन, ये वर्ड जो है एक साइंटिस्ट से निकला जिसका नाम है लुईस पाश्चर। उसने ये प्रिजर्वेशन का, प्रोटेक्शन का, फूड प्रोडक्ट्स का, और फूड प्रोडक्ट्स में से भी कौन सी जो लिक्विड हो, उसका ये मेथड दिया। इसने जो लिक्विड प्रोडक्ट्स थी उनको हाई हीट किया एट 120 और किल्स ऑल जर्म्स बैक्टीरियाज। इस प्रिजर्वेशन को हम कहते हैं पास्चराइजेशन। डिफरेंट टेक्निक ऑफ फूड प्रिजर्वेशन हैव बीन डेवलप्ड फॉर प्रोटेक्टिंग फूड क्वालिटी ड्यूरिंग इट्स ट्रांसपोर्ट ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस। सो इसके लिए लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रांसपोर्ट है फूड की वो पॉसिबल हुई और उसकी क्वालिटी जो है वो अफेक्ट इससे नहीं होती। फिर हम उसकी पैकिंग कर देते हैं पास्चराइजेशन करने के बाद, तो उसकी क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहती है। तो बेटे प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स, लिक्विड प्रोडक्ट्स में कौन से आते हैं, मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स जो दूध से चीज़ें बनी होती हैं उनको हम ये प्रिजर्व इस तरीके से कर लेते हैं बाय पास्चराइजेशन। ये भी बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है स्मार्ट सिलेबस का, जो हमने इसमें आर्टिकल्स को स्टडी करना था। तो अब जरा हम इसकी एक्सरसाइज को जरा एक दफा ओवरव्यू कर लेते हैं। तो अब हम ज़रा इसकी एक्सरसाइज को एक दफ़ा ओवरव्यू कर लेते हैं जो हमने स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली इसमें से हमने करनी है। तो फिलिंग इन द ब्लैंक्स जो हमने इसमें से करनी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और सबसे लास्ट वाली, दैट इज़ आर नाइन्थ, डैश इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन देयर एनवायरनमेंट, तो हम इसको इकोलॉजी कहेंगे। द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन फ्रेश वाटर बॉडीज लाइक लिवर, लेक्स एट्सेट्रा इज कॉल्ड फ्रेश वाटर बायोलॉजी। उसके बाद डैश इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर एंड कम्युनल लाइफ, तो इसे हम सोशल बायोलॉजी कहेंगे। अ हाइपोथेसिस इज द रिजल्ट ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग और इट कैन बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग। फिर हमने पेज नंबर 15 पर दो MCQs करने हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, उसका पहला जूस और लास्ट वाला जूस करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस इन बायोलॉजिकल मेथड, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू क्लोनिंग, तो इसका ऑप्शन डी होगा। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 4 है उसको देखना है, व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोथेसिस, अभी डिस्कस किया है आप साथ। हाउ डज लॉ डिफर फ्रॉम थ्योरी,
तो ये भी आपके साथ डिस्कस कर दिया। व्हाट इज डिडक्टिव रीजनिंग, अभी आपके साथ ये भी डिस्कस हो गया। और लास्ट पे है डिफाइन वैक्सीनेशन। सो बेटे ये वो बातें होती हैं जो हमने एक्सरसाइज को ओवरव्यू लाजमी करना है कि कोई हमारा पॉइंट रह ना जाए। सो बेटे वैक्सीनेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम डेड या वीकेंड वायरस को या बैक्टीरिया को वैक्सीन की सूरत में, सस्पेंशन की सूरत में बॉडी में ऐड करते हैं और उससे डिजीज से अगेंस्ट जो है हम रेजिस्टेंस को डेवलप करते हैं। दिस इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। सो बच्चे इसी के साथ हमारा पहला जो जूज है, हमारा पहला जो चैप्टर है वो मुकम्मल हो जाता है इस रिव्यू ऑफ लेक्चर का। अब हम चैप्टर नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे, दैट इज एंजाइम। तो बच्चे अब हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके अंदर भी हम स्मार्ट सिलेबस को फोकस करेंगे और उसी को ही हम स्टडी करेंगे। सो बच्चे एंजाइम को डिफाइन करते हैं। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन विच कैटालाइज अ बायोकेमिकल रिएक्शन विदाउट यूज बिना यूज हुए ये रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। एंजाइम स्पीड अप या स्पीड डाउन कर देते हैं अ बायोकेमिकल रिएक्शन को। This is our first topic, that is introduction. The thing that binds on an enzyme is called substrate. तो हम उसको नाम देते हैं कि वो इसकी क्या कहलाती है, substrate. The definite charge bearing site where substrate binds is called active site. वो उसकी active site कहलाती है। Active site के ऊपर जो है वो ये basically अमाइनो एसिड की बनी होती है और ये 10 से 18 अमाइनो एसिड का ये जगह होती है जिनमें से फ्यू जो हैं, कुछ जो हैं वो एक्टिव साइट हैं, बनाती हैं, फॉर्मेशन करती है और बाकी जो हैं रेस्ट मेंटेन करती हैं एंजाइम की स्ट्रक्चर को। तो बच्चे अब हम जरा इनको देख लेते हैं क्या मतलब है। लेट्स सपोज ये एक एंजाइम है, बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन है। ये जो थिंग बाइंड करनी है ये इसकी सबस्ट्रेट है, इसको हम एस से जाहिर करते हैं और एंजाइम को हम कैपिटल ई से। और ये जो बेसिकली आपको जगह नजर आ रही है ये एक्टिव साइट है, ये जो एक्सपोज्ड साइट है इसको हम नाम देते हैं एक्टिव साइट। और इसके ऊपर आके सबस्ट्रेट जो है वो क्या करती है, बाइंड कर जाती है। ठीक है, तो जब सबस्ट्रेट इसके ऊपर बाइंड करती है तो ये बन जाता है ई एस कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से इस जो है वो ई एस जो है वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो अब हम इसके अंदर आगे जो है वो फर्दर बात इसमें करेंगे। तो बच्चे ये इस तरीके से करने में कुछ
चीज़ों की, कुछ फैक्टर्स की ज़रूरत होती है एंजाइम को। तो बच्चे सबसे पहला है कोफैक्टर। द इनऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन पोर्शन पार्ट विच रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एन एंजाइम। तो ये प्रॉपर फंक्शनिंग कैसे होती है, ये कोफैक्टर जो हैं हेल्प करते हैं सबस्ट्रेट को बाइंड करने में ऑन एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम, एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड करने में मदद करते हैं। इट प्रोवाइड बायोकेमिकल एनर्जी जो ड्राइव करता है इनके रिएक्शन को। तो बेसिकली ये आपके साथ मैंने दो जो डिस्कस किए हैं फंक्शंस ऑफ कोफैक्टर, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो अब मैंने सारी बात ही कोफैक्टर पे करनी है। कोफैक्टर तीन तरह का होता है। सबसे पहले को हम कहते हैं एक्टिवेटर, प्रोस्थेटिक ग्रुप और थर्ड है को एंजाइम। ये तीन है इसकी टाइप, एक्टिवेटर, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड को एंजाइम। ये तीन टाइप है इसकी बेसिकली। जो एक्टिवेटर होता है ये डिटैचेबल कोफैक्टर होता है, रिएक्शन स्टार्ट करके ये अलग-अलग हो जाता है, जैसे जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, ये तमाम जो हैं ये एक्टिवेटर हैं। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं ये कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं और ये डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं रिएक्शन के अंदर, ठीक है। तो अगर हम कोवलेंटली बॉन्डेड है कोफैक्टर हैं, और अगर मैं इनकी एग्जांपल की बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट्स इन ग्लाइको प्रोटीन्स जो लूजली अटैच्ड कोफैक्टर हो उसे हम कहते हैं कोएंजाइम, जैसे कि विटामिन्स, इनकी ट्रेस अमाउंट जो है वो चाहिए होती है फॉर स्पीडिंग ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा जो है कोफैक्टर के बारे में जो इंट्रोडक्शन है ख़त्म होता है। तो बेसिकली जो विटामिन्स होते हैं ये असेंशियल रॉ मटेरियल्स होते हैं जिनकी थोड़ी सी अमाउंट जो है वो चाहिए होती है रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। सो बच्चे अब हमने बहुत ही अहम इन डेफिनेशंस के बाद, ये बड़ी अहम जो ये डेफिनेशन है इनके बाद हम जो अब डिस्कस करने लगे हैं वो है एपोएंजाइम एंड होलो एंजाइम। और होलो एंजाइम। सो अब हम
इसको जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले हम देख लेते हैं एपो एंजाइम क्या है। सो बेटे एन एंजाइम विद इट्स कोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप इज रिमूव्ड, तो इसको हम कहेंगे एपो एंजाइम। तो अब हम देख लेते हैं दूसरी तरफ होलो एंजाइम। होलो एंजाइम क्या है? एन एक्टिवेटेड एंजाइम एक एक्टिवेटेड एंजाइम जिसकी पॉलीपेप्टाइड चेन और कोएंजाइम जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, अटैच होते हैं उनके साथ, तो उसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड होलो एंजाइम। तो बच्चे जो एंजाइम्स होते हैं ये अपनी जगह के हवाले से बड़े ही सेंसिटिव होते हैं। अगला जो पैराग्राफ है, एंजाइम्स आर सिंपली डिजॉल्व इन साइटोप्लाज्म, एंजाइम्स आर टाइटली बॉन्ड टू सर्टेन सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स। ठीक है, यानी कि तमाम एंजाइम जो हैं वो कहां प्रेजेंट होते हैं? कहां प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में। और अगली बात वो करता है, कहता है कि एंजाइम जो हैं वो टाइटली बॉन्डेड हैं टू देयर ऑर्गेनेल्स। जहां जहां जिस एंजाइम की जरूरत है वो उसी ऑर्गेनेल के पास है, जैसे कि फोटोसेंसिस जिन्होंने करवानी है एंजाइम ने वो क्लोरोप्लास्ट में है, और जिन्होंने रेस्पायरेशन करानी है वो कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन का जो पैराग्राफ जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम बाकी देखते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम को देखेंगे। अब तो अब हमने करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम को देखना है। ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ये तमाम की तमाम ग्लोबुलर प्रोटीन होती हैं। इंक्रीज कर देती हैं एंजाइम, इंक्रीज कर देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को विदाउट बीइंग यूज्ड, अपने आप को इस्तेमाल किए बिना वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। उसके बाद स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम एक्सेलरेशन ऑफ रिएक्शन को करने के लिए काफी होती है। ठीक है, उसके बाद ये बड़े स्पेसिफिक होते हैं इन इट्स एक्शन, जरा सी भी चेंज हो पीएच में, टेम्परेचर में, लाइट में, तो एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। आगे देखते हैं तो कहता है कि एंजाइम्स को काम करने के लिए कुछ एंजाइम्स को कोफैक्टर की जरूरत होता है। एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं कि एक रिएक्शन है उसको स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी, पर एंजाइम ने आके वो एनर्जी को सेव कर लिया और उसको रिएक्शन को स्पीड अप कर दिया। अब हम अपना तीसरा आर्टिकल इसमें देखने जा रहे हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालाइसिस, ये इसका टाइटल है। तो इसको अब हम देखने जा रहे हैं। एंजाइम्स जो हैं वो थ्री डायमेंशनल प्रोटीन्स हैं जिसकी खास स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है और वो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है। तो अगर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के ऊपर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड वाला सबस्ट्रेट बाइंड करेगा तो रिएक्शन होगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगा। लेट्स सपोज ये एक एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है। तो अगर मैं इसको जरा इधर ड्रा करके आपको दिखा सकूं, अब आपके सामने तीन तरह के सबस्ट्रेट हैं। ये एक एंजाइम है, उसकी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है ये वाली स्पेसिफिक अमाइनो एसिड से मिलके उसके बनी है एक्टिव साइट है। अब आपके सामने तीन तरह के ये सबस्ट्रेट है, इनमें से वो ही बाइंड करेगा जो इसके साथ मिलता है। तो ये ए, तो ये यहां आके बाइंड कर गया। देखो तो मेरा बच्चा इधर आ जाओ इक्वेशन की तरफ, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट ये मिले और इन्होंने बना दिया ई एस कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, प्रोडक्ट बना और दोबारा एंजाइम जो है वो रीयूज भी हो सकता है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालाइसिस। तो बच्चे इसके अंदर एक येलो बॉक्स है, फीडबैक जिसे हम कहते हैं, इनहिबिशन भी कहते हैं, या एंजाइम टू एंजाइम चेन रिएक्शन। ये एक छोटा सा आर्टिकल है इसके अंदर, इन सर्टेन केसेस एंजाइम एक्ट इन सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन केमिकल ऑर्डर, इनकी एक खास सक्सेसिव अरेंजमेंट है, इन रिएक्शंस की खास अरेंजमेंट है, पार्टिकुलर ऑर्डर है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें मेटाबॉलिक पाथवे के जो रिएक्शंस हैं, मिसाल के तौर पर फोटोसेंसेस और रेस्पायरेशन, ये हमें देते हैं ऑक्सीजन, ये हमारी यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बात मैं प्रूफ करूंगा, ये इसको हम कहते क्या। तो बेटे देखो, सक्सेसिव एंजाइम कंटेनिंग दिस रिएक्शन आर नॉर्मली प्रेजेंट टुगेदर इन अ प्रिसाइज ऑर्डर, ठीक है। अब मैं दो लाइनें लिखता हूं कि लेट्स सपोज ये हमारे पास ए बी सी डी, यहां एंजाइम वन है, यहां एंजाइम टू है, यहां एंजाइम थ्री है। ये इनिशियल सबस्ट्रेट था, ये एंजाइम के साथ जाके मिला और इसने प्रोडक्ट बी बना दिया। अब सबस्ट्रेट ने अपने आप को हैंडेड ओवर कर दिया है एंजाइम को और बना दिया प्रोडक्ट। यही बात आपकी किताब के अंदर उसने की है, कहता है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का लिटरली हैंडेड ओवर है फ्रॉम वन एंजाइम टू अनदर एंजाइम फॉर्मिंग अ चेन टू चेन रिएक्शन, ठीक है। तो
In this way, the products from one step in pathway are transferred to the enzyme catalyzing the next. तो ये जो B product बना ये आगे use करते हैं enzyme 2 और फिर C के लिए वो उसको use करता है. तो मैं ये line लिख भी देता हूं आपके लिए. Products from one step may use by enzyme next enzyme. तो substrate initial A था, enzyme के पास गया, product B बना दिया. अब ये जो product B है ये enzyme 2 again use करता है और फिर वो C बनाता है. तो product है, product कौन सा था A का, A और E1 enzyme का B. One step may use by next एंजाइम. ये इधर बात करने की कोशिश कर रहा है. अब हम स्पेसिफिकली अब इस टॉपिक के अंदर आगे मूव करते हैं. जो एक्टिव साइट है ये चार्ज बेयरिंग साइट है. मिसाल के तौर पर ये एक एंजाइम है, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव है, प्लस प्लस भी है, नेगेटिव नेगेटिव है. अब सब्सट्रेट जो प्लस के साथ होंगी वो इधर अट्रैक्ट होंगी, क्योंकि ऑपोजिट जो हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. सो एंजाइम एंड इट्स सब्सट्रेट रिएक्ट्स विद थ्रू चार्ज बेरिंग साइट दैट इज कॉल्ड एक्टिव साइट. और जब एक्टिव साइट के ऊपर सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के ऊपर बाइंड करता है तो ई एस कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या बन जाता है. एक डेफिनेशन तो एक्टिव साइट की ये है, ठीक है. द चार्ज एंड शेप ऑफ एक्टिव साइट इज फॉर्म बाय द सम माइनस प्रेजेंट इन इट पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम. दीज अमाइनोसाइड्स आर ब्रॉट क्लोजर एंड अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक वे बाय कॉइलिंग एंड फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन विद इन द ग्लोबुलर सिमेट्री. मतलब ये है कि जिस तरीके से यहाँ ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन का जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है, यहाँ जो एक्टिव साइट का होगा ये इसकी जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है एक्टिव साइट की, जैसी ये होगी वैसा ही इसके ऊपर जो सब्सट्रेट है वो पॉलीपेप्टाइड चेन से माइनोसाइड की पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है, वही यहाँ आके बाइंड करेगा, वही आके यहाँ जुड़ेगा. ये तो एक डेफिनेशन है एक्टिव साइट की. दूसरी डेफिनेशन ये है कि जो एक्टिव साइट है ये दो हिस्सों पे मुश्तमिल है. एक को हम कहते हैं बाइंडिंग साइट और एक को हम कहते हैं कैटालिटिक साइट. जो बाइंडिंग साइट है ये रिकॉग्नाइज करती है और बाइंड कर देती है सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ और ई एस कॉम्प्लेक्स बन जाता है. और जो कैटालिटिक साइट है ये कैटालाइसिस करती है और प्रोडक्ट के अंदर ई एस की जो कॉम्प्लेक्स है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उसकी तब्दीली होती है इनटू प्रोडक्ट प्रोडक्ट के अंदर. तो इस एक्टिव साइट के ऊपर दो मॉडल आए साइंटिस्ट के. एक को हम कहते हैं की एंड लॉक मेथड और एक को हम कहते हैं इंड्यूस फिट मॉडल. ये दो मॉडल जो हैं वो इसी के ऊपर आए. की एंड लॉक मॉडल ये एक साइंटिस्ट था, उसने इसको प्रेजेंट किया और उस साइंटिस्ट का जो नाम है इमल फिशर है. '1890 के अंदर उसने ये प्रेजेंट किया. कहता है अकॉर्डिंग टू दिस अ स्पेसिफिक की
कैन ओपन अ स्पेसिफिक लॉक, एक खास तरह की चाबी एक खास तरह के ताले को खोल सकती है, इन अ सेम मैनर, बिल्कुल उसी तरह अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट कैन बाइंड ऑन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। जैसे कि मैंने आपको यहां बताया था कि जो खास तरह का सबस्ट्रेट एक्टिव साइट से मिलता होगा वो ही यहां आके बाइंड करेगा। ईमेल फिशर के मुताबिक एक्टिव साइट जो है वो रिजिड है, सख्त है और ये चेंज नहीं करती अपनी स्ट्रक्चर। ये मॉडल जो है वो गलत प्रूफ हुआ जब एक और आया जिसका नाम था इंड्यूस फिट मॉडल। इस मॉडल में क्या कहते हैं वो देखते हैं। ये एक साइंटिस्ट था कोशलैंड, 1959 में उसने कहा इंड्यूस फिट मॉडल, कहता है कि एक्टिव साइट जो है वो रिजिड नहीं है। व्हेन अ सबस्ट्रेट बाइंड्स ऑन एक्टिव साइट इट इंड्यूसेस चेंज इन एंजाइम। तो वो उसके अंदर बाइंड करके तब्दीली लेके आता है और ये मॉडल एक्सेप्टेड मॉडल है। अब इसी के साथ ये हमारा आर्टिकल खत्म होता है और अब हमारा लास्ट टॉपिक है थर्ड चैप्टर में से। इसी के साथ आज हमारा लेक्चर जो है फर्स्ट टेस्ट का कंप्लीट हो जाएगा। और वो टॉपिक है हमारा लास्ट वाला, दैट इज इनहिबिटर्स। पहले हम डिफाइन कर लेते हैं इनहिबिटर्स को। इनहिबिटर्स जो हैं ये केमिकल सब्सटेंस हैं। क्या है ये? केमिकल सब्सटेंस हैं जो रिएक्ट करती हैं इन प्लेस ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट की जगह ये रिएक्ट करती हैं और उसको ट्रांसफॉर्म नहीं होने देती इनटू प्रोडक्ट, उसको नहीं करने देती और फिजिकली उसको ब्लॉक कर देती हैं। ये है इनहिबिटर्स के कुछ करैक्टरिस्टिक्स। तो इनहिबिटर्स जो हैं, एग्जांपल अगर हम बात करें इनकी तो इसकी एग्जांपल है साइनाइड्स, पॉइजंस, एंटी मेटाबोलाइट्स एंड एंटीबायोटिक्स। ये इनकी एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स हैं जो हमने इसमें देखनी है। इनहिबिटर्स दो तरह के होते हैं, इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स और रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। ये दो तरह के होते हैं, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल को देख लेते हैं, ये ऑक्युपाई करते हैं एक्टिव साइट को और इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को। ऑक्युपाई सबस्ट्रेट और उसकी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं और वहां जो है कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं और उसको फिजिकली ब्लॉक कर देते हैं।
जबकि रिवर्सिबल इनहिबिटर्स ये एंजाइम पर जब बाइंड करते हैं तो वहां वीक लिंकेज बना लेते हैं, ठीक है, और इनके असर को जो है वो हम जायल कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग मोर एंजाइम। सॉरी, मोर एंजाइम नहीं, मोर सबस्ट्रेट। जो ये रिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं इनकी अगर मैं बात करूं, ये दो तरह के हैं, कंपिटेटिव और नॉन कंपिटेटिव। जो कंपिटेटिव हैं ये स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होती है इनकी, विथ सबस्ट्रेट बाइंड तो कर जाते हैं पर अनएबल टू स्टार्ट रिएक्शन। जबकि नॉन कॉम्पिटेटिव ये इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, पहले इसको बाद में देते, पहले इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज, ये एक एंजाइम है जो रिएक्शन में यूज होता है, सक्सीनेट ये कन्वर्ट होता है इनटू फ्यूमरेट में। जो सक्सीनेट का फॉर्मूला है वो ड्रा करते हैं जरा, चार पहले कार्बन बना लेने, साइड पे इनकी वैलेंसीज को पूरी कर देना है। अब ये इसमें से डीहाइड्रोजिनेज यहां एंजाइम लगता है, इसने ये दो रिमूव कर देने हैं यहां से, तो ये कैसे बन जाएगा, तो ये बन गया फ्यूमरेट। अब होता क्या है कि एक सबस्ट्रेट आती है, ये सक्सीनेट से मिलती है, उसका नाम है मेलोनिक एसिड। इसमें चार हाइड्रोजन थे, उसमें तीन होते हैं, तो बच्चे इसकी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी इसके साथ होती है पर ये आगे अनएबल टू स्टार्ट रिएक्शन और प्रोडक्ट नहीं बना पाता। जबकि नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स ये बाइंड करता है ऑन एंजाइम अदर देन एक्टिव साइट। लेट्स सपोज ये एक अगर एंजाइम है ना, ये तो ये इसको यहां बाइंड करना चाहिए था, ये बाइंड करता है यहां पे अदर देन पे, और ये